आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित भाषा एकमात्र अनंत है इस कविता के दूसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले पद्यांश की व्याख्या सीख ली है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। आप कक्षा 10 के सभी पाठों की व्याख्या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश को पढ़ेंगे और यदि इसमें कोई ऐसा शब्द है जिसका अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देख लेंगे फिर व्याख्या करेंगे। बूढ़ा सरल है, आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो आपको पता है सरल है। गाता है ये भी सरल है। एक गिनती है ये भी सरल है। पद्य, पद्य का मतलब होता है गीत, पद्य माने गीत। दोहराता है सरल है, आपको पता है जब कोई व्यक्ति कोई बात बोले और दूसरा व्यक्ति सेम उसी की बात को बोल दे तो हम कहते हैं ना उसी की बात को दोहरा रहे हो, तो वही चीज़ है, ठीक है। दूसरा सरल है, बूढ़ा सरल है। भूगोल और इतिहास ये विषय होते हैं आपको पता है तो सरल ही है। से ये भी सरल है। परे, परे का मतलब होता है दूर या हटकर, दूर या हटकर, ठीक है। किसी सरल है। दालान, दालान का मतलब होता है बरामदा, दालान मतलब बरामदा। अब हम लोगों की अवधी भाषा में तो ओसारा भी बोलते हैं तो ओसारा या दालान बरामदा, ठीक है। मैं बैठा हुआ, इसमें सभी शब्द सरल हैं। न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, सारे शब्द सरल हैं। न गेंद न फूल न दालान, दालान आ चुका है बरामदा, ठीक है। रहेंगे फिर भी शब्द, सारे शब्द सरल हैं। भाषा एकमात्र, एकमात्र चाहे कहिए चाहे केवल कहिए तो एकमात्र ही ज़्यादा सही है, हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। अनंत माने जिसका अंत न हो अर्थात अमर, जिसका अंत न हो अर्थात अमर है, ठीक है। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोगों को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या करने से पहले थोड़ा सा एक बात आप समझ लीजिए। देखिए किसी भी पद्यांश की व्याख्या करते समय भाव के अनुसार हम लोगों को बहुत सारी बातें अपनी तरफ से जोड़ करके लिखनी होती हैं। इस कविता की भी व्याख्या में बहुत सारी बातें हम लोगों को भाव के अनुसार अपनी तरफ से जोड़ करके लिखनी पड़ेंगी। तो आपको ध्यान ये देना है कि जब मैं बोलता रहूँ और मेरी कलम ना चले तो आप समझ लीजिए कि उस समय वो सारी बातें व्याख्या में मैं अपनी तरफ से जोड़ के लिख रहा हूँ और आपको भी वो सारी बातें अपनी तरफ से व्याख्या करते समय जोड़ करके लिखनी पड़ेगी, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग व्याख्या को शुरू करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री अशोक वाजपेयी जी भाषा की अनंतता का वर्णन करते हुए कहते हैं। अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कोई बूढ़ा, कोई बूढ़ा शब्दों से बने एक गीत को गाता है और जब वह बूढ़ा मर जाता है तब भी गीत समाप्त नहीं होते बल्कि दूसरा बूढ़ा उसके गाए हुए गीत को किसी बरामदे में बैठा हुआ दोहराता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। भाषा, भाषा भूगोल और इतिहास से दूर रहती है अर्थात भाषा पर इतिहास और भूगोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। इस प्रकार शब्द और शब्दों से बनी भाषा और भाषा से बने गीत कभी भी इतिहास नहीं होते हैं, हमेशा वर्तमान बने रहते हैं। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। एक दिन
एक दिन गेंद उछालने वाला न तो बच्चा रहेगा और ना ही गीत गाने वाला बूढ़ा रहेगा, न ही वह गेंद रहेगी, न ही फूल रहेगा और ना ही दालान रहेगी। फिर भी शब्द हमेशा रहेंगे क्योंकि भाषा ही इस संसार में एकमात्र अनंत है, अर्थात अमर है, इसका कोई भी अंत नहीं है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश में रस की बात करें तो शांत रस है, छंद इसमें अतुकांत है, अलंकार इसमें मानवीकरण है, क्योंकि शब्दों को इस तरह से व्यक्त किया गया है कि जैसे वो कोई मनुष्य हैं, तो मानवीकरण है। भाषा इस पद्यांश की खड़ी बोली है, साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली मुक्तक है, गुण इसमें प्रसाद है। और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति इसमें अभिधा और लक्षणा है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं। लेकिन हम लोग इसको हल करें उसके पहले थोड़ा सा एक बहुत ही ज़रूरी बदलाव हुआ है इस प्रश्न में, उसको ज़रा सा समझ लेते हैं फिर हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए 2022 तक जो ये प्रश्न होता था उसमें क्या होता था कि आपको पद्यांश दे दिया जाता था और कहा जाता था कि इस पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखिए। ये फिक्स होता था कि बस इतना ही आपसे पूछेगा इस प्रश्न में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है जरा सा समझ लीजिए। देखिए अब आपको पद्यांश दे देगा, ठीक है, और पद्यांश के नीचे तीन प्रश्न दे देगा और कहेगा कि इस पद्यांश को पढ़िए और इस पद्यांश को पढ़ने के बाद इन तीनों के उत्तर दीजिए। तो अब आपको अपनी मर्जी से केवल संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य नहीं लिखना है, बल्कि अब जो ये प्रश्न पूछेंगे इन प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्रमशः जो है प्रश्नों को पढ़ते हैं और इसके उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ और प्रसंग लिखिए। यानी पहला वाला प्रश्न आपसे संदर्भ और प्रसंग दो चीज़ें लिखने के लिए कह रहा है। अगर ये कोई एक चीज़ कहता तब हम एक ही चीज़ लिखते, ठीक है। तो दो चीज़ पूछ रहा है तो चलिए दोनों चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए आप लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे 22, क्योंकि अब ये 22 नंबर पर आएगा, पहले ये 4 नंबर पर आता था। क्योंकि 20 सवाल आपके जो हैं विकल्प वाले जुड़ गए हैं, जिसका उत्तर आपको ये मार्कशीट पर काला करना है, और 21वां सवाल जो है वो गद्यांश पर आधारित होता है, तो ये 22वें नंबर पर होगा। और दो रहेगा क और ख, उसमें से कोई आपको एक करना है जो आपको सरल लगे। तो देखिए मुझे क वाला सरल लगा है तो मैंने यहाँ पे क लिखा है। तो आप यहाँ पे क करें तो क लिखिए और ख करें तो ख, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। अब आप जो सवाल का नंबर होगा उसको लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे संदर्भ, ठीक है। और कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, भाषा एकमात्र अनंत है शीर्षक से अवतरित है, इसके रचयिता अशोक वाजपेयी जी हैं। देखिए लिखने का तरीका तो यही होगा, लेकिन जो विशेष चीज़ आपको ध्यान देनी है वो ये है कि देखिए किताब के नाम को आप दूसरे रंग की पेन से लिखेंगे और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, ठीक है। जो पद्यांश का शीर्षक होगा उसको भी आप दूसरे रंग की पेन से लिखेंगे और सिंगल इन्वर्टेड कामा, देखिए मैंने बगल में लगाया हुआ है, इसी तरह से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। और जो रचयिता होगा उसका नाम भी आप दूसरी पेन से लिखेंगे और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। यानी आप अपनी कॉपी को कितना अच्छा सजा सकते हैं उतना अच्छा सजाइए, लेकिन आपको केवल दो ही पेन का प्रयोग करना है, काली और नीली, ठीक है। चलिए
और दूसरी चीज़ पूछा था प्रसंग। तो आपको पता है कि किसी भी कविता की जो मुख्य बात होती है हम उसको प्रसंग बना लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति की अन्य सभी वस्तुओं को नश्वर मानते हुए भाषा को एकमात्र अनंत, अनंत का मतलब अमर भी होता है तो मैंने बगल में लिख दिया है अमर, बताया है, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखिए। तो यानी कि ये प्रश्न भी आपसे दो चीज़ें पूछ रहा है, पहली तो व्याख्या पूछ रहा है और दूसरा काव्य सौंदर्य पूछ रहा है। तो देखिए, मैंने आपको जो व्याख्या बताई है ऊपर, आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या, प्रश्न नंबर 3 डालेंगे, रोमन वाला 3 आपके पेपर में रहेगा वैसे ही डालेंगे, 3 डालेंगे और जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है उसी को वाक्य बना के आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। और यदि काव्य सौंदर्य की बात करें तो काव्य सौंदर्य भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है, वही काव्य सौंदर्य आपको सेम नीचे लिख देना है, ठीक है। और यदि अलग से पूछे कि कौन सी भाषा है, कौन सा रस है, तो आप केवल जितना पूछेगा उतना ही लिखेंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, दूसरा बूढ़ा भाषा से निर्मित गीत को कहाँ बैठकर दोहराता है। बहुत ही सरल है, इसका उत्तर होगा दूसरा बूढ़ा भाषा से निर्मित गीत को बरामदे में बैठ करके दोहराता है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।